এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি চলে যাব বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কি বলছেন শুনব। দিন রাত দেশ কে লিয়ে কাম কর রহি হ্যায়। সাথিও হামারা সমর্পণ হ্যায় মা ভারতী কো, হামারা সমর্পণ হ্যায় দেশ কে কোটি কোটি জনো কো, হামারা সমর্পণ হ্যায় দেশ কে সংবিধান কো। साथियों, आज भाजपा विकास का पर्याय है, विश्वास का पर्याय है, नए विचार का पर्याय है और देश की विजय यात्रा का भी एक मुख्य सेवक बनकर के अपनी भूमिका निभाता रहा है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रही है। भाजपा की कार्यशैली सर्वसमावेशी है, सर्वस्पर्शी है, सर्वजन का हित करने वाली है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को हमने हमेशा अपने हृदय में, अपनी कार्यशैली में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सामाजिक न्याय ये हमारे लिए राजनीतिक नारेबाजी का हिस्सा नहीं, ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। बीते वर्षों में बहुत सारे दल सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति का दिखावा करते रहे। इन दलों ने, उनके मुखिया अपने परिवार का भला कर लेते हैं, अपने समाज का कतई नहीं, जबकि भाजपा सामाजिक न्याय को जीती है, उसकी भावना का अक्षरशः पालन करती। 80 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव मुफ्त राशन मिलना सामाजिक न्याय का ही प्रतिबिंब है। 50 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलना सामाजिक न्याय की सशक्त अभिव्यक्ति है। 45 करोड़ गरीबों के बिना भेदभाव जनधन बैंक खाते खोलना सामाजिक न्याय का इंक्लूसिव एजेंडा का जीता जागता उदाहरण है। 11 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव शौचालय मिलना, यही तो सामाजिक न्याय है, यही तो सामाजिक न्याय के प्रति हमारी भक्ति है। बिना भेदभाव, बिना तुष्टिकरण, बिना स्वार्थ, बिना वोट बैंक की राजनीति किए भाजपा आज सामाजिक न्याय का भी सच्चे अर्थ में धरती पर इरादों को साकार करने वाला, देश के दबे कुचले समाज के लिए आशा की किरण बना हुआ एक पर्याय बनकर के उभरा है। साथियों, आज भाजपा देश में एक नए पॉलिटिकल कल्चर का भी नेतृत्व कर रही है। कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है, ये उन्हीं के कल्चर में से पैदा हुई है। उन पार्टियों की पहचान है, पार्टी का नाम लेते ही एक ही बात दिखती है, सारी पार्टियों का दर्द देख लीजिए, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग।
जबकि भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर प्रत्येक देशवासी को साथ लेकर चलने का है। कांग्रेस और उसके जैसी पार्टियों का कल्चर छोटा छोटा सोचना, छोटे सपने देखना और उससे भी कम हासिल करके खुशियां मनाना बस, और खुशी एक दूसरे की पीठ थपथपाना। भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर है बड़े सपने देखने और उससे भी ज्यादा हासिल करने के लिए जी जान से खप जाना, शरीर का कण कण, समय का पल पल खपाने का हौसला रखते हैं। कांग्रेस और उसके जैसी पार्टियों का कल्चर महिलाओं की समस्याओं, उनकी रोजमर्रा की चुनौतियों की परवाह ही नहीं करता, जबकि भाजपा का पॉलिटिकल महिलाओं के जीवन को आसान बनाने, उनके सपनों को साकार करने को, निर्णय प्रक्रिया में उनको भागीदारी देने को प्राथमिकता देता है। इसलिए आज के युवा हो या फिर देश की माताएं, बहनें, बेटियां, भाजपा के साथ हम पल पल अनुभव कर रहे हैं, हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद बढ़ते चले जा रहे हैं, जुड़ाव महसूस करती हैं, अपनापन महसूस करती है। इसलिए आज ये सभी भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। साथियों, आज स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सबके लिए अपने सपनों को, अपने संकल्पों को, मां भारती के सेवा के लिए समर्पित अपने हर कार्यकर्ता के जीवन को देखते हुए बहुत सी बातों को बार बार समझने की आवश्यकता होती है। 2014 में जो हुआ वो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, 2014 में भारत के लोगों ने भारत के पुनर्जागरण की नई यात्रा का शंखनाद कर दिया है। 800 साल से ज्यादा की गुलामी से बाहर निकलकर एक राष्ट्र अब अपना खोया हुआ गौरव पाने के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ है, और इस प्रक्रिया में दशकों से चली आ रही बुराइयां, चुनौतियां धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। अब देश पंच प्राणों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, सन 47 में अंग्रेज भले चले गए लेकिन जनता को गुलाम रखने की मानसिकता यहीं पर कुछ लोगों के जहन में बो करके चले गए, यही छोड़ गए थे। इसलिए आजादी के बाद के वर्षों में देश में ऐसा वर्ग खूब फला फूला जो सत्ता को अपना जन्मजात हक समझता था। इन लोगों की बादशाही मानसिकता ने देश की जनता को हमेशा अपना गुलाम माना। 2014 में इस दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की, बादशाही मानसिकता के लोग इस वर्ग की आवाज
सुनने की तो बात छोड़ दीजिए, पल पल कुचलते रहते थे। इसलिए हमारी सरकार के पहले कार्यकाल में ही बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों ने इन शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों कोई मौका नहीं छोड़ा उनकी मजाक उड़ाने में, हर पल उनकी मजाक उड़ाते रहे। हमारी योजनाओं, हमारे कार्यक्रमों निम्न स्तर का बताने की होड़ बढ़ाई है। जब मैंने लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा की, गांवों को, गरीब को, मेरी माताओं बहनों को इज्जत कर देना, शौचालय की सुविधा देने की बात जब मैंने की, तो यही लोग क्या क्या नहीं कहते थे। जब मैंने डिजिटल इंडिया की बात की, तो इन्होंने अपनी ताकत, पूरी ताकत उसे खारिज करने में, देश के लोगों में भ्रम पैदा करने में, निराशा पैदा करने में पूरी शक्ति झोंक दी। ये तर्क दिए जाने वाले और ये कहने लगे देश में बड़ी आबादी अनपढ़ है, अनजान है, वो कैसे डिजिटल इंडिया का लाभ ले पाएगी। साथियों, जब हमारा मजाक उड़ाकर ये सफल नहीं हुए, तो बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों की नफरत और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि दशकों दशक से हिंसा से जूझ रहे जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में शांति का सूरज उगेगा। इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आर्टिकल 370 कभी इतिहास हो जाएगा। जो काम दशकों तक सरकार चलाने वाले नहीं कर सके, वो काम भाजपा सरकार कैसे कर रही है, ये इन्हें पच नहीं रहा है। इसलिए नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए। इसलिए अब ये लोग आया, देश के बड़े पोर्ट्स ने एक साल में करीब 800 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडल करने का नया रिकॉर्ड बनाया। लगातार बन रहे विकास के ये रिकॉर्ड दिखाते हैं कि देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं एक सांस में जितना बोल पाया बोल दिया। साथियों, आज हम सबका सौभाग्य है कि आज एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हमें आजादी के अमृत काल में देश की सेवा का अवसर मिल रहा है। हमें भविष्य के भारत का निर्माण भी करना है और मेरे सब कार्यकर्ताओं को, भाजपा के हर सिपाही को, हर स्तर पर उसका नेतृत्व भी करना है। हमारे प्रयास में अगले 25 वर्षों का विजन शामिल होना चाहिए। हमारे हर कार्य में वो ऊर्जा होनी चाहिए जो आने वाले दशकों तक देश की दिशा और दशा, हमारे सपनों को मजबूत करने वाली मां भारती के कोटि कोटि जनों की आजादी से अब तक के संजोए हुए सारे सपनों को सिद्ध करने वाली होनी चाहिए। साथियों, आज के इस समय में दुनिया तेजी से बदल रही है।
हमें भविष्य के हिसाब से भी अपनी पार्टी को निरंतर विकास करने की, विकसित करने की, सामर्थ्य बढ़ाने की कोशिश कभी भी रुकने नहीं देना है। हम पहले भी करते आए हैं, आगे अब जरा और गति से करना होगा। 6-7 वर्ष बाद मैं सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं, 6-7 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी के 50 वर्ष पूरे होंगे। जब भाजपा के 50 वर्ष पूरे हो, उस समय पार्टी का व्याप कितना होगा, स्वरूप कैसा होगा, हमारे लक्ष्य क्या होंगे, ये हमें अभी से तय करना होगा। हमें नए आइडियाज को, नए इनोवेशंस को अपनाना होगा। पार्टी में उन्हें एक प्रकार से हमारा जीवन का, कल्चर का हिस्सा के रूप में उसे जोड़ना होगा, उसे बढ़ाना होगा। जैसे मेरा एक सुझाव है कि हम पार्टी में टेक्नोलॉजी को हर स्तर पर आगे लेकर आए, हम विभिन्न स्तरों पर टेक्नोलॉजी सेल्स बना सकते हैं, हम युवाओं की ऐसी टीम बना सकते हैं जो आधुनिक टेक्नोलॉजी को मॉनिटर करे, उसे जनता तक पहुंचा के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एक्सपर्ट से सुझाव लें, हम सेमिनार करें, एक्सपर्ट्स को लेकर बुला करके बदलते हुए विश्व को समझने की कोशिश करें। सोशल मीडिया में भी हमें नए तौर तरीकों के बारे में सोचना होगा। आजकल रील्स, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जमाने में ज्यादा से ज्यादा युवाओं में, इस युवा पीढ़ी में प्रोफेशनल से जुड़ने के लिए हमें राजनीति के नए आयामों को विकसित करना ही है। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन भाजपा के निरंतर विस्तार में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले, इसके लिए हमें अपने कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक चुने हुए प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग के नए प्लेटफॉर्म बनाने होंगे। साथियों, संगठन शक्ति, कार्यकर्ताओं की एकजुटता, ये भाजपा की प्राण शक्ति है, हमारा प्राण वायु है। इसे नित निरंतर ऊर्जा देते रहना भी हम सभी का कर्तव्य है। हमें अपने विस्तार के लिए बीजेपी प्रतिष्ठा दिवसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिनी बीजेपी कर्मी समर्थक उद्देश्य वर्चुअली वक्तव्य रखें। गोटा देशे বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তার বক্তব্য, একদিকে যেমন বিজেপি কর্মীদেরকে তিনি উদ্বুদ্ধ করছেন কি উদ্দেশ্য বিজেপি কর্মীদের, বিজেপির কি উদ্দেশ্য গোটা দেশের নিরিখে, সেই সমস্ত বিষয় তুলে ধরছেন। দেশই বিজেপির কাছে সবচেয়ে বড়, কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি, যারা কংগ্রেস সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি, তারা তাদের নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে, নিজেদের পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে কার্যত তোপ দেখেছেন প্রধানমন্ত্রী। এরই পাশাপাশি তার বক্তব্য যে বিরোধীরা কখনো ভাবেনি 370 ধারা বিলোপ হতে পারে, কাশ্মীর উত্তর পূর্বে শান্তি ফিরে এসেছে বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন তার বক্তব্যে। এরই পাশাপাশি তার বক্তব্য যে দেশবাসীর কাছে বিজেপি সংকল্পবদ্ধ, দেশই তাদের কাছে আদর্শ, তাদের কাছে প্রথম
কাজ হচ্ছে দেশের উন্নতি সাধন করা, দেশ থেকে দুর্নীতি মুছে ফেলা তাদের লক্ষ্য। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের তাদের দুর্নীতি সামনে চলে আসছে, সে কারণেই তারা ক্ষুব্ধ, এমনটাই কিন্তু তিনি জানিয়েছেন। দুর্নীতি নিয়ে বিরোধীদের তোপ দেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর পাশাপাশি বিজেপি ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করে না বলেও উল্লেখ করতে ভোলেননি নরেন্দ্র মোদী। তার আরও বক্তব্য যে নিজেদের দুর্নীতি সামনে আসতেই হতাশ হয়ে পড়ছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরা। বিরোধীরা কখনো ভাবেনি 370 ধারা বিলোপ হতে পারে, কাশ্মীর উত্তর পূর্ব ভারতে শান্তি ফিরেছে, এমনটাও কিন্তু দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী।